ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आदंतवंत कौन्तेय नते सूरमते बुधः। हरे कृष्णा। वास्तविक आनंद क्या है भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब इस जगत में आनंद की खोज में हैं। वास्तविक खुद सुख क्या है उसकी हम खोज में हैं, तो इसके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज हम वैलेंटाइन डे 14 फरवरी है ना, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसका इतिहास क्या है और आज किस प्रकार से इस दिवस को लोग समाज में मना रहे हैं, इसके कारण क्या समस्याएं हैं, तो इससे हम जान पाएंगे वास्तव में प्रेम क्या है और काम किसे कहा गया है, है ना। काम और प्रेम दोनों में अंतर को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम देखते हैं कि लोग इस जगत में जिसे प्रेम कहते हैं सामान्यतः, वो होता वास्तव में काम है, है ना। काम को ही प्रेम मान करके लोग स्वीकार कर रहे होते हैं, क्योंकि काम का अर्थ क्या है, जिसमें जैसे इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, है ना। संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी इंद्रियों के स्पर्श से सुख प्राप्त किया जाता है, है ना। अलग अलग इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, जीवा है, नाक है, त्वचा है, तो जो सभी इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जगत में, और हम चाहते मानते कि इसके माध्यम से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो भगवान उसको यहाँ पर कह रहे हैं दुख ही हो रहे होते, वास्तव में ये दुख का कारण है, है ना। इंद्रिय सुख में प्रारंभ में भी दुख है और उसके मध्य में भी दुख है और अंत में भी दुख है, कष्ट है, है ना। हर समय प्रारंभ मध्य अंत अद्यंतवंत कौनते, इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि वास्तव में सत्य को जानता है, जिसे ज्ञान है, वो इस इंद्रिय सुख के जो कि दुख का कारण है वास्तव में उसमें भाग नहीं लेता है, है ना। वो परम सत्य परम आनंद को समझने का प्रयास करता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे लोग जो है मनाते हैं, है ना, अपना प्रेम एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, जो कि वास्तव में होता काम है, है ना, प्रेम नहीं होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो वैलेंटाइन डे जो है एक धार्मिक दिवस है, है ना, क्योंकि ये एक संत हुए हैं सेंट वैलेंटाइन, जो कि क्रिश्चियन पादरी थे, आज से लगभग 1600 साल पहले उनका जो है प्राकट हुआ था इटली में, तो वहाँ पर बाद में वो क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करके और पादरी एक संत के रूप में थे, तो उनके दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, धार्मिक दिवस के रूप में। लेकिन आज इसका इतना जो है परिवर्तन हो गया है, हम इस जगत में समाज में देखते हैं कि पूरा ये दिन जो है एक प्रकार से लोग इस दिन में मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, है ना, तो पूरा बदल करके धार्मिक दिवस से एक मजाक आज बन गया है, पूरा मूर्खतापूर्ण ये दिवस वैलेंटाइन डे हो गया है, है ना, जिसमें लोग भगवान की सेवा के लिए, या ऐसे हम देखते हैं कि समाज में कितनी बेरोजगारी है, है ना, लेकिन इस दिवस के लिए लोग कितने कितने पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए सिर्फ किसमें, फूल खरीदने में,
है ना, कुछ कार्ड देने में है ना, और हार्ट जैसा एक वो चॉकलेट ही कुछ देते हैं है ना, गिफ्ट देते हैं तो वो सब इन चीज़ों को खरीदने में जो है लोग करोड़ों करोड़ों खर्च कर देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको मूर्खता ही कहेंगे है ना, क्योंकि ये बुद्धिमानी वाला विषय तो बात नहीं हो सकती है। तो पूरी तरह से एक आज के समय में लोगों ने जो है एक मजाक, एक इंद्रिय भोग का इसको दिन बनाकर रख दिया है, पूरा मजाक बना दिया है ना, जिसमें कि लोग पूरा मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं और किस प्रकार से होती है घातक है समाज के लिए है ना। इससे पूरा समाज हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से यूथ है और सभी लोग जो कि इसको बनाने में लगे हुए हैं पूरा गलत दिशा में, नरक की दिशा में वास्तव में प्रगति हो रही है उनकी है ना। तो इसलिए अगर हम समझ रहे हैं वास्तव में है ना भगवद गीता की शिक्षाओं को, तो ना तो हमें स्वयं इसको मनाना चाहिए और ना ही दूसरों को जो है मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए है ना, क्योंकि बहुत इससे जो है नुकसान है समाज में। तो ये जो संत थे, संत वैलेंटाइन इटली में जब उस समय हुए, तो उस समय एक रोम में एक राजा था। तो हम सामान्य तो देखते हैं कि हर राजा चाहता है कि अपने राज्य का विस्तार करना, उसके राज्य का जो है विस्तार हो फैले। तो राज्य का विस्तार करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है ना, आर्मी जब होगी तो फिर उसके माध्यम से राज्य का विस्तार हो पाएगा। लेकिन आर्मी में क्या चाहिए, आर्मी में पुरुष होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, और कैसे पुरुष, जो विवाहित नहीं हो है ना, क्योंकि अगर विवाहित होंगे तो पत्नी के प्रेम में, बच्चों के मोह में वो सब फंस जाएंगे, तो फिर वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए ये जो राजा था उस समय रोम में, क्लोडियस, तो उसका ये विचार था कि लोग अगर विवाह करेंगे तो फिर आर्मी में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसने जो है अपने राज्य में विवाह को पूरा बैन कर दिया था, बंद कर दिया था विवाह को, कि कोई भी विवाह नहीं करेंगे, विवाह के बिना सबको जो है इंद्रिय भोग करना है। तो आर्मी में राजा सबको सुविधा देता था, वहाँ पर उनके लिए स्त्रियों की जो है व्यवस्था की जाती थी, जिससे कि लोग बिना विवाह के इंद्रिय भोग कर सके। और हम देखते हैं कि आज भी होता है ना, भारत में भी आप आर्मी में देखेंगे तो वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट है, वेश्याओं का ग्रुप है, तो वो स्त्रियाँ जो है जो लोग आर्मी में है उनके लिए भेजी जाती हैं, जिससे कि वो भोग कर पाए। तो इस प्रकार से पूरा विवाह को बंद करके और उसने उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित किया कि इंद्रिय भोग आप करो और आर्मी में रहो। तो इसलिए पूरा समाज की दिशा अलग दिशा में समाज जाने लगा है ना, कि लोग हम देख रहे हैं विवाह अगर नहीं होगा तो समाज में फिर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा है ना, क्योंकि विवाह से एक जिम्मेदारी की भावना आती है। विवाह वास्तव में इसके लिए नहीं है कि सिर्फ स्त्री पुरुष संग करना है, विवाह एक जिम्मेदारी है कि कैसे पति जो है पत्नी की जिम्मेदारी लेता है ना, पत्नी सहायता करती है पति को आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। लेकिन जब विवाह नहीं होगा और लोग केवल इंद्रिय भोग करेंगे है ना, बिना विवाह के लोग साथ में रहेंगे, जैसे कि आज भी हम देखते हैं लोग धीरे धीरे लिविंग रिलेशनशिप है ना, इसका प्रभाव बढ़ रहा है, लोग बिना विवाह के साथ में रहते हैं तो इससे क्या होगा, जिम्मेदारी नहीं होगी। जब तक अच्छा लगेगा है ना, जब तक हमारी इंद्रियों को संतुष्टि प्राप्त होगी तब तक हम साथ में रहेंगे, और जब इंद्रियों को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तो फिर क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा है ना। और ये होता भी है, देख रहे हैं पूरा पाश्चात्य जगत का जो कल्चर है वो इसी प्रकार से, कोई विवाह नहीं है वहाँ पर, कोई संस्कार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि विवाह किस लिए है, स्त्री पुरुष संग करना है, तो फिर विवाह की क्या आवश्यकता है ना, वो संग तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संग करते हैं और जब मन भर जाता है तो फिर छोड़ देते हैं है ना, और स्त्री उसको फिर बच्चा होता है तो बच्चे की जिम्मेदारी फिर उनको लेनी पड़ती है ना, क्योंकि पिता ने तो छोड़ दिया, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, या सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, या फिर उससे और परिणाम होते हैं कि उनको जो है फेंक दिया जाता है ऐसे बच्चों को, या भ्रूण हत्याएं है ना, गर्भपात, तो बहुत सारी इस प्रकार की ये अवैध संग से बिना विवाह के जो इंद्रिय भोग किया जाता है उससे समस्या थी। तो ये राजा ने इसको प्रोत्साहित किया, लेकिन जो संत वैलेंटाइन डे थे है ना, तो उन्होंने इसको देख लिया कि ये तो पूरा समाज इस प्रकार से गलत दिशा में जा रहा है,
अगर ऐसा होगा तो लोग कैसे, अगर जिम्मेदारी नहीं ले लेंगे, धर्म को नहीं समझेंगे, तो फिर लोग भगवान को भी नहीं जान पाएंगे, है ना। अगर व्यवहार लोग नहीं करेंगे या जिम्मेदारी जो है, बिना जिम्मेदारी के बस पशु जैसे रहेंगे, है ना, पशु जैसे इंद्रिय भोग करेंगे, तो फिर तो कैसे भगवान की तरफ भी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए पहले तो एक साधारण मनुष्य भी हमें बनना आवश्यक है, जिसमें कि जो समाज के नीति नियम है बेसिक, उनको, कर्तव्यों को हमें स्वीकार करना, उनको निभाना, तो वो देख पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है प्रचार चालू किया, विशेष रूप से जो यंग थे, यूथ थे, तो उनको सबको उन्होंने बताना चालू किया कि ऐसे आप जो है हिप्पी जैसे मत रहिए, है ना, इस प्रकार से बिना विवाह के स्त्री पुरुष संघ में लिप्त होना ये तो नरक की तरफ दिशा है, इसमें ऐसा कार्य मत कीजिए, आप विवाह कीजिए। तो सबको इस प्रकार से उन्होंने जो है प्रचार चालू किया विवाह की, सब आप लोग जो है विवाह कीजिए, है ना। ये जिम्मेदारी को, इसको समझिए कि कितना आवश्यक है इसको। जब जिम्मेदारी आप लेंगे, विवाह का उद्देश्य केवल इंद्रिय भोग नहीं है, है ना, बहुत सारे और भी उसके जो है साथ में कारण है। तो इस प्रकार से फिर बहुत सारे लोग युद्ध प्रभावित होकर के उन्होंने जो है विवाह किया, है ना। लेकिन जो राजा था वो तो द्वेषी था, वो नहीं चाहता था कि इस प्रकार से हो। तो जब उसे ये पता चला कि ये संत वैलेंटाइन इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, और जो सेना है, जो यूथ जो कि सेना में आ सकते हैं, तो उनको ये विवाहित बना रहे हैं, उनको धर्म की शिक्षा वास्तव में दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ करके और चौराहे पे उसका गला काट दिया था, है ना। तो जिस दिन जो संत वैलेंटाइन है उनका, उनकी हत्या हुई, वो दिवस कौन सा था, 14 फरवरी, है ना। तो बाद में उनके जो अनुयायी थे, है ना, जो कि उन्होंने प्रचार किया था कि आप इस प्रकार से विवाह करें, ऐसे बिना विवाह के नहीं रहे, तो अनुयायियों ने उस दिवस को उनके स्मरण में, संत वैलेंटाइन के स्मरण में मनाना चालू किया, है ना। लेकिन धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं, जो कि एक धार्मिक दिवस था, है ना, संत वैलेंटाइन उनकी स्मृति में उसको मनाया जाता था, तो आज पूर्ण रूप से उसको एक समाज में मजाक बनाकर रख दिया गया है। और यही दिवस नहीं, है ना, हर प्रकार के आप धार्मिक दिवस देखिए, केवल वो इंद्रिय भोग के विषय बन चुके हैं, है ना। क्योंकि उसके बाद भी धीरे धीरे बहुत सारे, जब साइंस आया, विज्ञान ने जब प्रगति करना प्रारंभ की, या अलग अलग समाज में जो फैक्ट्रीज है ये सब का जब विकास हुआ, या मुस्लिम से अंग्रेज भी जब भारत में आए, तो उन्होंने भी देखा कि अगर धर्म से लोग आसक्त रहेंगे तो इन पर राज्य करना बहुत ही कठिन है ना, इनसे काम हम नहीं करवा पाएंगे, इसलिए धर्म को समाप्त करना है, जो सभ्यता है उस सभ्यता को समाप्त करना है, तो इसलिए गलत रूप से जो है प्रचार किया गया, है ना। तो आज हम देखते हैं हर इस प्रकार से दिवस, वो चाहे क्रिश्चियन दिवस हो, है ना, क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं तो वो भी सब सारे दिवस जो है मजाक बन चुके हैं। भारतीय सभ्यता में भी देखें तो वो भी केवल इंद्रिय भोग के साधन बन चुके हैं, लोग क्या करते हैं, है ना, इंद्रिय भोग करते हैं बस, उसका वास्तविक जो उद्देश्य है वो तो पूर्ण रूप से भूल गए, है ना। दीपावली आती है तो उसमें क्या करते हैं, भगवान राम का लोग कितने स्मरण करते हैं, भगवान राम का स्मरण नहीं करते, लोग फटाके फोड़ते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, बस हो गई दीपावली, है ना। होली है तो किस लिए मनाई जाती है, उसका कोई पता नहीं है, बस एक दूसरे को रंग उछालना है, एंजॉय करना है ना, इस प्रकार से। तो हर दिवस पूरा आज ऐसे धार्मिक दिवस से लेकर के मजाक पूर्ण रूप से बन गया है। लेकिन वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों में वास्तव में उसके माध्यम से धर्म की शिक्षा दी जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि हर दिवस को एक धर्म के रूप में मनाया जाता था, है ना। वैदिक संस्कृति में बच्चे का जन्म हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, कोई भी क्रियाएं हो रही है, तो उसको एक धार्मिक उत्सव के रूप में वास्तव में मनाया जाता था, जिससे कि लोगों का धर्म में स्थापित रहे, लोग जो है धर्म में बने रहे। तो धीरे धीरे इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, जो लोग इंद्रिय भोग करना चाहते थे, है ना, राज्य करना चाहते थे, तो उन्होंने धीरे 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 धीरे, तो आज हम देखते हैं कि इतना ये
पूरा परिवर्तित हो गया है। लोग इतिहास जानते नहीं है, बस अंधा यथे अंधे रूपणी माना तेपी सुतंत्रा उरुधामी बद्धा। प्रहलाद महाराज श्रीमद भागवत में बताते हैं कि जैसे कुछ अंधे व्यक्ति आगे जा रहे हैं तो बाकी सब लोग जो हैं उन अंधे व्यक्तियों का अनुसरण कर रहे हैं। जिस तरफ समाज जा रहा है हमें बस चलना है समाज के साथ, है ना, रेट रेस में, चूहे की दौड़ में बस चलना है। कोई विचार नहीं कि ये कहाँ वास्तव में सही है कि नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, नहीं, बस भागना है ना। तो कोई विचार नहीं है, लोग जानने का प्रयास ही नहीं करते कि किस लिए हमें इनको मनाना है, है ना। बस हाँ, सारे लोग मना रहे हैं तो हमें मनाना है, नहीं मनाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। समाज में हम रह रहे हैं, आज ऐसी स्थिति हो गई आज, है ना। आप अगर वैलेंटाइन डे दिवस जो है नहीं मनाएंगे तो लोग कहेंगे अरे तुमने मनाया नहीं, है ना। और इसके परिणाम हम देख रहे हैं आज समाज में, कितने सारे जो है आप देखेंगे तो इसके विपरीत परिणाम है, है ना। कि अगर आज के दिन जो है एक पति है ना, वो अगर कोई गिफ्ट है पत्नी के लिए नहीं लेके आएगा तो फिर पत्नी नाराज हो जाएगी कि मेरे लिए, मतलब किसी और को आप दे रहे हैं, है ना, कुछ समस्या है। तो अगर नहीं लेके आएगा तो समस्या है ना। और लेके आया और दिया नहीं तो भी समस्या है कि लेके आया मुझे नहीं दिया, मतलब किसको दिया फिर, है ना। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं तलाक, इसके कारण जो है तलाक होते हैं, है ना। बहुत सारे जो है इस दिन को लेकर के तलाक हो जाते हैं, ये समस्या है, है ना। बहुत सारे इस दिन जो है गर्भपात होते हैं, है ना। कितने सारी स्त्रियों का शोषण होता है ना। वो चाहते हैं कि नहीं हमें, हम जो है एक दूसरे से प्रेम करेंगे, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं है, केवल इंद्रिय भोग है, प्रेम के नाम पर शोषण है, है ना। क्योंकि हर समय लोग जो है, हर साल वैलेंटाइन डे आता है, हर साल लोग वैलेंटाइन डे जो है उसका जो पात्र है वो बदलते रहते हैं। आज इस साल जो है एक को दिया, दूसरे साल फिर दूसरे को दिया, है ना, फिर तीसरे साल तीसरे को, इस पार से जो है बदलते रहते हैं। तो वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों में ये भावना आ गई। स्त्रियाँ भी पुरुष बदलती रहती हैं, एक साल एक पुरुष को दिया, है ना, एक लड़के को देंगे, दूसरे साल फिर दूसरे लड़के को, कुछ समय रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ इंद्रिय भोग में समस्या आई तो फिर वहाँ छोड़ देंगे, है ना, फिर दूसरों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये भागवतम में बताया गया, कलयुग के लिए भविष्यवाणी की गई श्रीमद भागवतम में कि कलयुग में जो स्त्री पुरुष संबंध है वो केवल कितने तक सीमित रह जाएगा, रतिर विप्रत्व, रतिर, है ना। कि अगर एक दूसरे की आप जो है शारीरिक आवश्यकता है, जो कि पूरा पाश्चात्य जगत का कल्चर है जिसमें वो पूर्ण रूप से लिप्त है, शरीर में ही आसक्त है, वहाँ पर आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, कि शरीर से ऊपर आत्मा है, आत्मा के बारे में भी हमें विचार करना नहीं है ना, एक दूसरे के शरीर के प्रति ही आकर्षण, तो वही भावना है। किमन्यत काम हेतु कम, कि इस जगत में काम के अलावा, इंद्रिय भोग के अलावा इस जगत का कोई भी उद्देश्य नहीं है, है ना। तो इसलिए जी भरकर हमें काम में लिप्त होना है, इंद्रिय भोग हमें करना है। तो इसलिए जब तक एक दूसरे की इंद्रियों की संतुष्टि होती है, अगर पति जो है पत्नी की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है तो वो साथ में रहेंगे। जहाँ पर भी थोड़ी सी समस्या आती है इंद्रिय भोग में, कुछ असंतुष्टि होती है, तो फिर क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है, है ना, विवाह विच्छेद हो जाता है। और जो कि आज समस्याएं इसके कारण बढ़ रही है हम देख रहे हैं। तो लोग इस प्रकार से हर साल बदलते रहते हैं, है ना, हर साल जो है इस प्रकार से उनका परिवर्तित होता रहता है। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है कि आज जो पूरा समाज में ये मूर्खतापूर्ण कार्य चल रहा है, तो हम अपने आप को उस मूर्खतापूर्ण कार्य में नहीं लगाएं, है ना। हमें बुद्धिमान बनने की आवश्यकता, बुद्ध है नते सु रमते बुद्ध है, भगवान कह रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये जो इंद्रिय भोग के कारण है ना, जो कि शरीर के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, तो उन इंद्रिय भोग के कारणों में मोबाइल साइलेंट करते हैं सभी लोग, उन इंद्रिय भोग के कारणों में व्यक्ति भाग नहीं लेता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि आज इस प्रकार से सबकी चेतना ऐसी हो गई कि लोगों ने इस काम को, इस इंद्रिय भोग को ही प्रेम समझ लिया है, है ना। लोग सोचते क्या है कि यही वास्तव में प्रेम है, एक दूसरे को बस फूल दे देना, है ना, उन्हें प्रेम का इजहार कर देना, तो बस यही प्रेम है ना। वास्तव में ये प्रेम नहीं है, इसको
काम कहा गया है। तो इसलिए प्रेम और काम दोनों में क्या अंतर है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम काम के पीछे भागते रहेंगे है ना, तो क्या होगा, भगवान भगवद गीता में बताते हैं काम कैसा है। काम जो है वो जैसे अग्नि जल रही है, अग्नि में हम निरंतर अगर ईंधन डाल रहे हैं है ना, तो वो अग्नि और जलेगी और जो है भड़केगी। तो इस प्रकार से काम काम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, जितना भी आप उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे है ना, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। बस व्यक्ति बदलते रहेंगे, पात्र बदलते, इसलिए आज हम देख रहे हैं कि सब क्या है, सब वस्तुएं बन चुकी हैं है ना, व्यक्ति भी क्या हो गया, वस्तुएं हो गए, बस उपयोग करो और फिर जब मन भर जाए तो फिर फेंक दो बस है ना। तो इस प्रकार से पूरा व्यक्ति स्त्री पुरुष है, सब एक दूसरे के लिए वस्तुएं हो गए है ना, जब तक अच्छा लग रहा है तो तब तक साथ में रहते हैं है ना, जहाँ पर थोड़ी सी समस्या आई मन नहीं कर रहा है तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है, है ना, उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, केवल इंद्रिय भोग में लिप्त होना है, तो इसलिए फिर बस वस्तुओं को जो है छोड़ दिया, उनको फेंक दिया। तो इस प्रकार से पूरे समाज की ये स्थिति है और इसको बढ़ावा मिल रहा है ना, ऐसे दिवसों को मनाने से, उनको प्रोत्साहित करने से बढ़ावा मिलता है, क्योंकि गलत जो अंधे लोग हैं उनके पीछे हम भाग रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं है ना, उसका वास्तविक परिणाम हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि क्या उसका जो है वास्तविक परिणाम होगा। तो काम को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, जितना भी आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, और वास्तव में जो है भड़केगा है ना, और ज़्यादा तृष्णा बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है महाराज ययाति का, कि महाराज ययाति है तो उन्होंने कई हजारों साल तक इंद्रिय भोग करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए है ना, बाद में उनको साक्षात्कार हुआ कि ये इंद्रिय भोग से कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, और ये इंद्रिय भोग ही सबसे बड़ा कारण है भगवान को समझने में है ना। जब तक हम काम को नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवत प्रेम को हम नहीं समझ सकते, इसलिए बताया गया ना, जहाँ काम वहाँ नहीं राम, जहाँ पर भी काम है, हृदय में ये तृष्णा है, इंद्रिय भोग की इच्छा है, तो वहाँ पर फिर उस हृदय में भगवान राम कभी भी प्रकट नहीं हो सकते। राम अर्थात आनंद, यहाँ पर बताया गया रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे रासो परम ब्रह्मा भी दीयते, जिसमें कि योगी जन जो है आनंद लेते हैं, उनको असीम आनंद की अनुभूति होती है भगवान राम के ध्यान में। तो राम शब्द का अर्थात आनंद बताया गया, राम अर्थात आनंद, ये वास्तविक आनंद है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम है ना, महाराज ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन किसके लिए है, इस सुख प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म सुख है ना, भगवत सुख, भगवान का प्रेम प्राप्त करके उस आनंद को प्राप्त करना, तो उसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है ना, इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला। इंद्रिय भोग में तो दुख है, कष्टान कामान अर्हते बिडभुजा, इंद्रिय भोग जो भी है वो पूरा कष्ट का कारण है, तो इसलिए कष्ट का कारण है, अगर आनंद होता उसमें तो फिर वहाँ पर पात्र चेंज नहीं होते, पात्र जो है परिवर्तित नहीं होते है ना, पात्र परिवर्तित हो रहे हैं मतलब उसका अर्थ क्या है कि उसमें आनंद नहीं है ना, वो वस्तुओं में, वास्तव में इंद्रिय भोग में आनंद नहीं है। तो इसलिए काम और प्रेम को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रेम जो है एकमात्र हो सकता है भगवान से केवल, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति एक दूसरे को बोलते हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं है, है ना, ये हमें समझ लीजिए आपसे, इस भौतिक जगत में वास्तव में प्रेम का विकृत प्रतिबिंब जो भगवान के धाम में भगवान और उनके भक्तों के बीच प्रेम का आदान प्रदान है, सेवा का आदान प्रदान है, तो वो आदान उस प्रेम का ये यहाँ पर विकृत प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है ना, जो रस है भगवान जो भक्तों के साथ जो दिव्य रस का भोग करते हैं उसका ये विकृत उल्टा यहाँ पर प्रतिबिंब है, बिगड़ा हुआ रूप है काम है ना। इसलिए बताया गया है चेतन चिता में वर्णन किया गया कि जैसे लोहा और सोना होता है, लोह और हेम एछे स्वरूपे विलक्षण, काम और प्रेम दोहंकर लक्षण, तो जैसे लोहा और सोना होता है दोनों के लक्षणों से हम जान सकते हैं कि कौन सा सोना है कौन सा लोहा है, तो उसी प्रकार से काम और
प्रेम में भी अंतर होता है। तो चेतन चेतावत में ही प्रेम की परिभाषा दी गई है और काम की भी परिभाषा दी गई है। प्रेम की परिभाषा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहा गया है। और जो स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है उसको क्या कहा गया है? आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे वली काम। आत्मेंद्रिय हमारी स्वयं की इंद्रियों को प्रतिवांछा अगर हम संतुष्ट करना चाहते हैं कि मुझे कैसे आनंद प्राप्त होगा, मुझे कैसे सुख प्राप्त होगा, है ना? तो आज जो प्रेम के नाम पे लोग मनाते हैं मिलते हैं, वो क्या है? मुझे कैसे आनंद होगा, है ना? ये स्त्री को मैं प्राप्त कर लूँगा, मुझे इससे आनंद प्राप्त होगा। स्त्री सोचती है ये पुरुष को मैं प्राप्त कर लूँगी तो मुझे इससे आनंद प्राप्त होगा, है ना, मुझे संतुष्टि होगी। तो इसलिए वो क्या है? वो काम है। और जहाँ पर भी फिर काम पूरा हो जाता है ना, क्योंकि काम से कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, तो जब उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो फिर क्या हो जाता है ना, वहाँ पर फिर वो त्याग हो जाता है, वहाँ पर विच्छेद हो जाता है। हम और किसी वस्तु से और किसी व्यक्ति से फिर उस काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से व्यक्ति जो है बस भागता रहता है, भटकता रहता है, है ना। सब व्यक्ति वस्तुएं परिवर्तित होती रहती हैं लेकिन कभी भी उसका काम तृप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है कि इस भौतिक जगत में प्रेम नहीं है। भौतिक जगत में जो भी है वो केवल काम वासना है। काम वासना को ही आज अज्ञानतावश सब लोगों ने जो है प्रेम का नाम दे दिया है। वो लोग सोचते हैं कि ये प्रेम है, लोग प्रभावित हो जाते हैं। सब फिल्म में दिखाया जाता है, फिल्म में दे रहे हैं, वहाँ पर एक लड़का लड़की दे रहा है दूसरे को, वैलेंटाइन बना रहे, तो लोग हमें भी बनाना चाहिए, है ना, हम भी, तो हमें भी हमारा जीवन भी जो है प्रेमपूर्ण हो जाएगा, नहीं, है ना। तो इसको हम समझे वास्तव में, है ना, समस्या है इससे। पूरा समाज आज समस्याग्रस्त है, ये काम के द्वारा प्रभावित है समझ। तो प्रेम क्या है? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, सेवा करना, और वो प्रेम में स्वयं की फिर कोई भी इच्छा नहीं है, स्वयं को संतुष्ट करने की कोई भी इच्छा नहीं होगी, है ना। स्वयं को सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसका विचार नहीं है। जो स्वामी है, भगवान है, वो कैसे संतुष्ट हो, उनको कैसे आनंद प्राप्त हो, एकमात्र वो ही केवल इच्छा रहती है, है ना। स्वयं का सुख का कोई भी विचार वहाँ पर नहीं हो। भले ही प्रेम का सर्वोच्च स्तर क्या बताया गया है कि अगर स्वयं को कष्ट भी मिल रहा है ना, स्वयं को अगर दुख भी प्राप्त हो रहा है तो भी वो भक्त है, भगवान की सेवा करता रहता है ना, भगवान को ही संतुष्ट करने की उसकी एकमात्र इच्छा होती है। तो इसलिए बताया है कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना उसको कहा गया है प्रेम, है ना। जब तक हम प्रेम के नाम पर स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने का विचार करते रहेंगे तो वो प्रेम नहीं है, वो काम है। हम काम वासना में ही लिप्त होते रहेंगे। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं काम से क्या होता है, जब काम पूरा नहीं होता है तो काम से फिर क्रोध आता है ना। क्रोध के बाद क्रोध से क्या होता है फिर? क्रोधात भवति सम्मोह, है ना, व्यक्ति मोहित हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, है उससे स्मृति का विनाश हो जाता है, और स्मृति विनाश होने से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इसलिए भौतिक जगत में जब देखते हैं थोड़ी सी भी कुछ इंद्रिय भोग में समस्या आती है, काम पूरा नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? लोग अपने प्रेमी प्रेमिका को मार देते हैं, बध कर देते हैं, है ना, तो उनका बध करके और स्वयं भी आत्महत्या कर लेते हैं फिर। तो इसका अर्थ क्या है कि ये काम है। लेकिन प्रेम क्या है कि प्रेम में परिभाषा दी गई है प्रेम की, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, कि अगर उसके ध्वंस होने के सारे कारण उपस्थित है वहाँ पर, है ना। लोग आजकल हम देखते हैं लोग प्रेम बोलते हैं कैसा प्रेम है, थोड़ा सा जो एक फूल ले दिया मेरे टाइम में तो लोग त्याग हो जाता, विवाह विच्छेद हो जाता है कि मुझे जो है दिया नहीं, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आए, तो फिर ये कैसा प्रेम है ना, ये प्रेम नहीं, ये तो काम है फिर। वो श्रद्धा वो विश्वास वहाँ पर वास्तव में नहीं है। प्रेम जब होता है तो फिर वहाँ पर कुछ बार बार दिखाने बताने की वो सब आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए ये प्रेम की परिभाषा दी गई सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, कि वहाँ पर सारे कारण उपस्थित है उसके ध्वंस होने के, है ना, उसके टूटने के, लेकिन फिर भी क्या होगा? यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परकीर्तित, कि इसको
परम प्रेम बताया गया कि ऐसे सारे कारण उपस्थित होने पर भी उसमें कभी भी त्रुटि नहीं होगी, वो कभी भी टूटेगा नहीं, उसको प्रेम कहा गया है। तो ये हम उदाहरण देख सकते हैं भगवान और भगवान के जो वृंदावन के भक्त हैं सभी गोपियाँ हैं, है ना, उनके बीच में ये उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे ये दिव्य प्रेम का वहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। और समस्या क्या है कि पूरी काम वासना से हम जन्मों जन्मों से ग्रसित हैं और हमने काम को ही प्रेम समझ लिया है, है ना, प्रेम के बारे में हम वास्तव में जानते ही नहीं है। तो होता क्या है कि जो प्रेम है तो प्रेम को ही हम काम समझ बैठते हैं। तो हमें क्या लगता है, जो भगवान और राधा कृष्ण के बीच में है, जो गोपियों के बीच में है, तो वो भी काम है, है ना, वो भी तो ऐसे ही, उसमें क्या अंतर है। तो इसलिए लोग फिर निंदा भी करते हैं, देखते हैं हम, है ना, कि भगवान ने भी तो इतनी सारी गोपियाँ रखी, है ना, लेकिन भगवान हमारे जैसे जो शारीरिक आकर्षण है, जिसको कि मैथुन जीवन कहा गया है, वो भगवत धाम में वहाँ पर भक्त है, भगवान है, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं, लगा वहाँ पर ऐसे शारीरिक जो मैथुन जीवन है वो इस प्रकार के जीवन वहाँ पर नहीं है, है ना। यहाँ पर हम प्रेम बोलते हैं तो प्रेम आप करते रहिए, एक दूसरे की सेवा कीजिए, है ना, काम नहीं होगा तो फिर वो प्रेम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जहाँ पर काम वासना पूरी हुई उसके बाद भी टूट जाता है। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि ये एकमात्र केवल बस काम वासना की पूर्ति करना है, एक दूसरे के शरीरों को भोगना है ना, लेकिन वास्तविक प्रेम में ऐसा नहीं होता है, जो हम भगवान उनके भक्तों के बीच में देख सकते हैं। कि और उसका उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रीमती राधा रानी, जो गोपियाँ हैं, है ना, कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए इतना उनका जो दिव्य प्रेम है कि सब कुछ, सारे जो है वेद धर्म सदाचार लोक की निंदा सब कुछ त्याग करके भी जब भगवान ने जो है उनको बुलाया, है ना, तो भगवान के पास तुरंत जो है सारा त्याग करके वो चली गई, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना है। और सारे कार्य भी वो कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया उनकी भावना का कि कैसे दिन रात भगवान के चिंतन के बारे में विचार है, है ना, भगवान जब जा रहे हैं गोचारण के लिए तो गोपियाँ विचार कर रही हैं कि भगवान के चरण कमल जो है बहुत ही कोमल है, है ना, तो उनके कोमल चरण कमलों में कहीं जो है कोई कांटे तो नहीं लग गए, है ना, कोई कंकर पत्थर तो नहीं लग गए। तो इस प्रकार से पूरा उनका विचार, पूरा उनका चिंतन है कि थोड़ी सी भी भगवान को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक भगवान से जो प्रेम होता है, जो कि वास्तविक प्रेम है, उसमें एक प्रेमी की भावना क्या होती है कि मुझे चाहे भले ही दुख प्राप्त हो, मुझे चाहे भले ही कष्ट प्राप्त हो, लेकिन भगवान को थोड़ी सी भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ी सी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, तो वो वास्तविक प्रेम है, है ना। और भगवान चाहे आदान प्रदान करे चाहे ना करे, तो भी प्रेमी जो है वो प्रेम करता रहता है, एक भक्त भगवान से प्रेम करता रहता है। वो प्रेम में कभी भी वहाँ पर परिवर्तित नहीं होता कि ठीक है भगवान आदान प्रदान नहीं कर रहे तो मैं अब चेंज कर लूँगा, परिवर्तित कर लूँगा, है ना। भौतिक जगत में हम देखते हैं परिवर्तित हो जाता है, अच्छा नहीं लगता ठीक है बदल लिया हमने, है ना, तो दूसरे व्यक्ति को हम चुन लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी इसको प्रकट करती है सर्वोच्च चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उस भाव में आते हैं तो उसको उस भाव को चरम प्रेम को बताते हैं ना। श्रीमती राधा रानी क्या कहती है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर महताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव नापर, है ना। गोपियाँ क्या कह रही है कि अगर आप जो है भगवान आश्लिष्य हमारा आलिंगन करें, हमें जो है स्वीकार करें, है ना, आश्लिष्य वा पादरताम, है ना, अपने चरण कमलों में स्थान दे, या पिनष्टु माम अगर नहीं भी दे, है ना, तो वो आपकी इच्छा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, है ना, भगवान स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को देना ही है, भगवान हमारा आलिंगन करेंगे ही हम उनकी भक्ति कर रहे हैं तो, है ना, नहीं आवश्यक नहीं है, वो भगवान की इच्छा के ऊपर है, भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, भगवान अपनी इच्छा से कर भी सकते हैं और भगवान अपनी इच्छा से नहीं भी कर सकते। तो गोपियाँ क्या कह रही है कि अगर आप चाहें तो हमारा आलिंगन करें, है ना, चाहे तो अपने चरणों में स्थान में दे स्वीकार करें, या पिनष्टु माम चाहे तो अपने चरणों के नीचे जो है हमें रोंद डाल लिए, है ना। तो इस अवस्था तक गोपियाँ जो है वर्णन कर रही है। फिर आगे भी कि मर्मताम, कि आप भले ही हमें जो है मर्माहत करें, है ना, एक प्रकार से कि दूसरे के समक्ष
जो है हमें कोई महत्व नहीं दे, वो मरमाहत करना होता है ना। जैसे मान लीजिए कि दूसरे व्यक्ति हैं सामरक्ष है ना, और हम भी वहीं पर उपस्थित हैं, तो हमें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है, तो उसमें हमें कैसा लगेगा है ना। हमें हम अपने आप को जो है मरमाहत महसूस करेंगे ना, हृदय में हमें पीड़ा होगी कि मुझे कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी गोपियाँ कह रही कि अगर ऐसी स्थिति भी आप करना चाहें तो कोई व्यक्ति नहीं है ना, यथा तथा वा विदधातु लंपट हो, आप चाहे लंपट के जैसा व्यवहार क्यों ना करें है ना। गोपियाँ क्या कह रही है, लंपट, लंपट किसको कहा गया है कि जो व्यक्ति पत्नी के होते हुए, स्त्री के होते हुए भी दूसरे स्त्री के साथ भोग करना चाहता है ना, तो उस व्यक्ति को कहा गया लंपट। तो गोपियाँ क्या कह रही है कि आप चाहे हमारे स्वीकार करें या हमारे समक्ष ही आप जो है दूसरी स्त्रियों को भी स्वीकार करें, लेकिन तो भी आप हमारे मत प्राण नाथस्तु सैव नापर, आप हमेरा हमेशा जो है मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। तो ये इसको प्रेम कहा गया है, जिसमें कि टूटने के सारे कारण उपस्थित हैं है ना। मतलब भौतिक जगत में तो हम देखेंगे कि अगर कोई पति जो है अपनी पत्नी के समक्ष कोई दूसरी स्त्री से प्रेम करेगा तो पत्नी तो तलाक दे ही देगी, वो तो प्रेम टूट ही जाएगा है ना, वहाँ पर तो वो सहन नहीं कर पाएगी है ना, या पति भी उसको सहन नहीं कर पाएगा कि एक स्त्री जो है मेरे समक्ष दूसरे पुरुष से इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, तो वो भी वहाँ पर विच्छेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम है ना। इस भौतिक जगत में प्रेम व्यक्तियों के बीच में नहीं हो सकता है, वो काम है, तो इसलिए उसमें उसका टूटना अवश्य संभव ही है, लेकिन प्रेम में ये संभावना नहीं होती जो वास्तविक प्रेम होता है। तो इसलिए गोपियाँ कह रही कि ये सारी संभावना है ना, और भगवान वो करते भी है, हम देखते हैं कि है ना, भगवान गोपियों को छोड़ करके जो है राधा रानी को उन्होंने स्वीकार किया, तो ऐसा नहीं कि सब गोपियों ने जो है भगवान को छोड़ दिया कि नहीं अभी तो आप हमें छोड़ करके उनके साथ चले गए, तो इसलिए हम आपको, क्योंकि भगवान जो है पूर्ण है, तो भगवान सबके साथ जो है हर एक के साथ समान रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं है ना। ये भगवान की पूर्णता बताई गई, भगवान 16,000 द्वारिका में 16,100 के साथ समान रूप से सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में वो संभव नहीं है कि एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर पाए है ना, लेकिन भगवान 16,108 रानियों के साथ हर दिन समान रूप से व्यवहार हो रहा है। एक बार जब नारद जी आते हैं वहाँ पर द्वारिका में, उनका प्रवेश होता है, तो भगवान के अलग अलग महलों में जाते हैं, तो एक महल में जब जाते हैं प्रवेश करते हैं तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ लीला कर रहे हैं है ना, फिर दूसरे महल में जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भगवान सत्यवान के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं, फिर तीसरे महल में जब जाते हैं तो तीसरे महल में वहाँ पर देखते हैं कि और भी जो दूसरी रानियाँ हैं तो वहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, एक महल में अपने बच्चे को खिला रहे हैं है ना, क्योंकि भगवान साधारण रूप से नर लीला यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अलग अलग महल में नारद जी देखते हैं कि भगवान अलग कार्य कर रहे हैं है ना। तो ये कैसे संभव है कि इतने साथ भगवान एक ही है लेकिन सबके साथ एक साथ भगवान जो है समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये भगवान के लिए ही संभव है, पूर्ण रूप से प्रेम का आदान प्रदान केवल भगवान ही कर सकते हैं, उसके अलावा इस भौतिक जगत में कोई भी वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो प्रेम की पूर्ति यहाँ पर नहीं हो पाती है, क्योंकि वो काम होता है तो उसमें फिर समस्या आती है, उसमें कष्ट होता है, व्यक्ति को जो है पीड़ा होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम को समझाने के लिए कथा बताते हैं है ना, कि सारे कारण उपस्थित है टूटने के, फिर भी वहाँ पर जो है वो प्रेम बना रहता है। तो भगवान और उनके भक्तों के बीच ऐसा वास्तव में दिव्य प्रेम होता है कि भक्त निरंतर भगवान चाहे स्वीकार करे नहीं करे तो भी वो उनकी सेवा करता रहता है। तो एक कथा आती है कि एक व्यक्ति थे जिनको कि कुष्ठ रोग हो गया था, और उनकी पत्नी थी, तो उसी जहाँ पर जिस स्थान में वो रहते थे उसी स्थान में एक वेश्या भी रहती थी, उसका नाम था लक्ष हीरा नाम है ना, अर्थात उसकी बहुत कीमत थी 1,00,000 है ना। जब कोई व्यक्ति इतनी जो है राशि अगर देगा तो वो फिर उसका संग प्राप्त कर पाएगा। तो ये जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे वो चाहते थे
कि मैं उनका जो है संग प्राप्त करूं, तो इसलिए बहुत चिंतित थे, दुखी थे। तो पत्नी भी उनकी इस समस्या को जानती थी, तो इसलिए पत्नी ने उनको संतुष्ट करने के लिए कि मेरा कार्य है मेरे पति की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो वेश्या है उसके घर पर जाकर के प्रतिदिन कार्य करना चालू कर दिया, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो धन जो है दे पाए, और उसको धन चाहिए था। तो इसलिए प्रतिदिन जाती वो घर की सारी जो है साफ़ सफाई करती है ना, उनके बर्तन साफ़ करना, झाड़ू लगाना, सारी साफ़ सफाई करना, और बदले में कुछ भी नहीं लेना, पूरा निस्वार्थ रूप से सेवा करके और फिर वापस जाना। तो इस प्रकार से जब काफ़ी समय हो गया और ऐसे कुछ भी उन्होंने नहीं लिया, तो एक दिन उन्होंने पूछा लक्ष्मीरा जो वेश्या थी उन्होंने कि इतने दिनों से आप मेरे घर में बिना कुछ लिए मेरे घर का सारा जो है कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपकी जो है इच्छा है। तो इस प्रकार से फिर वो बताती है कि मेरे पति हैं, तो मेरे पति आपसे आकर्षित हैं और वो चाहते हैं आपके साथ संग करना, तो अगर ये आप कर सकती हैं इस प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ण, तो बस यही मैं चाहती हूँ। तो जब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के फिर जो वेश्या है लक्ष्मीरा वो उनको बोलती है कि ठीक है आप उनको लेकर के आइए यहाँ पर। तो ये लेकर के जाती हैं अपने पति को, वो लेकर के जब जाती हैं उनके पास, तो वहाँ पर सबसे पहले उनको बहुत अच्छा व्यंजन बना करके ये खिलाती हैं। तो दो थालियों में व्यंजन परोसती हैं, एक सोने की थाली में और एक चांदी की थाली में, समान जो भी है व्यंजन वो सेम है, सेम व्यंजन दोनों थालियों में उनको परोसा जाता है। और परोस करके फिर पूछती हैं कि दोनों से खाइए और फिर बताइए कि आपको किस में ज़्यादा जो है आनंद आया। तो दोनों में सेम था इसलिए दोनों में उन्होंने खाया, तो दोनों में सेम लगा है ना, सोने की थाली में भी खाया तो उसमें भी, और चांदी की थाली में खाया तो दोनों में समान लगा है ना, कोई भी अंतर नहीं लगा। तो फिर वेश्या ने उनको समझाया है ना, तत्व ज्ञान थोड़ा सा वहाँ पर दिया कि इतनी जो है आपकी पतिव्रता पत्नी है कि आपकी इस प्रकार से जो है इच्छा है, तो भी आपकी ये पतिव्रता पत्नी इस इच्छा को पूर्ण करने का जो है प्रयास कर रही है ना, तो आप ऐसी पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके मेरे साथ जो है संग करना चाहते हैं है ना, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये भोजन जैसे हम सेम भोजन खा रहे हैं तो उसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि आपको जो है मेरा आप भोग कर लेंगे तो उसके साथ आपको जो है बहुत अधिक आनंद प्राप्त होगा। जो इंद्रिय विषयों का सुख है वो वास्तव में तुच्छ है, वो क्षणिक सुख है ना, उसमें वास्तविक रूप से आनंद नहीं है। तो उस प्रकार से फिर उनको साक्षात्कार होता है, अपनी पत्नी का महत्व पता चलता है, तो फिर वापस जो है वो बाद में आते हैं, और फिर एक ऋषि की कृपा से उनका रोग भी दूर हो जाता है, बाद में उनका कुष्ठ रोग जो था तो वो रोग भी ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रेम है उसको समझाया जा रहा है ना, उसको दिखाया जा रहा है कि पति जो है दूसरे स्त्री के साथ भोग करना चाहता है तो भी पत्नी की इच्छा वो है उनको संतुष्ट करना है ना। तो इस प्रकार से भगवान और गोपियों के बीच में ये शुद्ध प्रेम है ना। गोपियाँ कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें आलिंगन कीजिए, चाहे हमें रोन डालिए है ना, बर्बाहत कीजिए, कुछ भी आप स्वतंत्र हैं तो भी आप ही एकमात्र हमारे प्राणनाथ बने रहेंगे है ना। ऐसा नहीं कि आप हमें महत्व नहीं देंगे तो ठीक है हम जो है आपका त्याग कर देंगे, नहीं, ये हम उदाहरण देख सकते हैं। तो भौतिक जगत में ये संभव नहीं है, थोड़ी सी भी समस्या आती है तो हम देखते हैं विवाह विच्छेद हो जाता है ना, तलाक हो जाता है, ये कलयुग में हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये काम है जिसको कि लोगों ने आज प्रेम मान लिया है ना, और प्रेम मान करके लोग उसकी पूर्ति में लगे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। तो प्रेम का सर्वोच्च स्तर तो क्या बताएगा कि अगर स्वयं को कष्ट भी प्राप्त हो, वहाँ पर अपनी स्वयं की सुख की भी कोई तनिक भी इच्छा नहीं है ना, केवल भगवान के ही एकमात्र सुख की इच्छा है। जैसे भगवान के भक्त है, सेवक है, तो उदाहरण दिया गया है गोपियों का उदाहरण है, उन्हीं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देख सकते हैं, या भगवान के और एक भक्त दारू उनका भी उदाहरण है कि एक बार जब वो चामर भगवान को हिला रहे हैं है ना, तो चामर हिलाते हिलाते प्रेम के कारण उनको जो है विकार, अष्ट सात्विक विकार है ना,
ये आने लगे, रोमांच होने लगा, तो उन्होंने तुरंत उसको रोक लिया, क्योंकि उससे जो है वो स्वयं आनंदित हो रहे थे, है ना। और उसके कारण क्या आ रहा है, भगवान को चावल हिलाने में समस्या आ रही है ना, तो उस कारण से उन्होंने उसको रोक लिया कि भगवान की सेवा में विघ्न नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। मेरा आनंद महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, भगवान को हर समय आनंद मिलना चाहिए। भगवान वास्तव में किससे सुखी हो रहे हैं, तो भगवान सुखी हो सकते हैं भक्त को दुख देने से भी, है ना। भक्त को कष्ट जो है प्राप्त हो सकता है, उसमें भगवान की प्रसन्नता हो सकती है, तो भक्त उसको फिर स्वीकार करता है, लेकिन वो भक्त के लिए वो दुख भी वास्तव में दुख नहीं है, वो भी उसके लिए सुख है। इसलिए एक आचार है भक्तिव्रत ठाकुर तो अपने एक भजन में वर्णन करते हैं, तुम्हार सेवाए जते होए दुख सही तो परम सुख, कि आपकी सेवा में जो भी मुझे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, जो भी मुझे दुख मिल रहे हैं, वो मेरे लिए परम आनंद की अनुभूति है, मेरे लिए परम हर्ष की अनुभूति, वो मेरे लिए कष्ट नहीं है ना। जैसे कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु को सिर दर्द हो जाता है, भगवान कृष्ण को सिर दर्द हो जाता है, तो नारद जी जाते हैं और नारद जी पूछते हैं कि क्या आपको हुआ है, तो भगवान उनको बताते हैं कि थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है ना, तो कैसे दूर हो सकता है। नारद जी पूछते हैं तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई मेरे भक्त हैं वो अपने चरणों की रज मुझे प्रदान करें तो उसको लगाने से मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो आप मेरे भक्त हैं, नारद जी को कहते हैं, है ना, इसलिए आप दीजिए। तो नारद जी बोले नहीं नहीं, इसके लिए तो मुझे नरक जाना होगा, है ना। तो फिर नारद जी अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं लेने के लिए, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, और भी अलग अलग भक्तों के पास। तो सब बोलते हैं कि अगर हम अपने चरणों की अगर रज देंगे तो हमें तो नरक में प्रवेश करना होगा, तो कहीं से भी उनको प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से वापस आते हैं भगवान के पास नारद जी और कहते हैं कि सभी ने देने से इनकार कर दिया है, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप समझे, जब देने से इनकार कर दिया तो आप क्या कह सकता है। तो भगवान बताते हैं कि एक और उपाय कीजिए, आप वृंदावन गए, बोले नहीं वृंदावन तो मैं नहीं गया, है ना, तो आप अंतिम उपाय और करके देखिए, आप वृंदावन भी जाइए एक बार और गोपियों से भी लेकर के आइए, उनको ये बताइए। तो फिर नारद जी गोपियों के पास जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में जाकर के गोपियों को कहते हैं कि भगवान को सिर दर्द हो रहा है ना। तो गोपियाँ पूछती तुरंत कैसे वो ठीक हो सकता है ना, जिज्ञासा, क्या उसका उपाय है। तो नारद जी बताते हैं कि आप अगर उन अपने चरण कमलों की रज दे तो वो उससे दूर हो सकता है। तो सब गोपियाँ तुरंत आप ले जाइए, है ना। तो नारद जी पूछते हैं कि आपको भय नहीं है इससे, कि आप अगर जो है अपने चरणों की धूल भगवान को सिर में लगाने के लिए देगी तो आपको तो नरक जाना पड़ेगा इसके लिए, तो ये आपको भय नहीं है। तो गोपियाँ कहती हैं कि भले ही हम जो है नरक चले जाएँ, है ना, जन्म जन्मांतर हम भले ही नरक में रहे तो उसमें कोई, लेकिन भगवान को थोड़ी सी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, भगवान को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको कहा गया प्रेम, ये वास्तव में प्रेम है जिसमें कि स्वयं के कष्ट की, स्वयं के दुख की कोई भी चिंता नहीं है, केवल भगवान को, इसको ही कहा गया और शुद्ध भक्ति है ना। वास्तव में ये शुद्ध भक्ति की स्थिति है जिसमें कि भगवान को संतुष्ट करने के अलावा और कोई भी इच्छा दूसरी वास्तव में नहीं रहती है ना। तो ये शुद्ध प्रेम है जिसको कि आज हमने जो है काम समझ लिया है ना, और भगवान के उस प्रेम को, भगवान उनके भक्तों के बीच में, गोपियाँ और जो कृष्ण के बीच में प्रेम है, तो उसको हम समझते हैं कि साधारण बस लड़के लड़के जैसे, जैसे हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, है ना, तो वैसा ही ये कार्य है नहीं, वो हमारी बुद्धि से बहुत परे का जो है विषय है। जब तक हमारे हृदय में काम है तब तक उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना, उसकी एक झलक को भी हम वास्तव में प्राप्त नहीं कर सकते। जब धीरे धीरे भक्ति में, सेवा में हम लगेंगे, भगवान की इस भक्ति को स्वीकार करेंगे, और भक्ति से जब धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे, है ना, ये काम हमारे हृदय से जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह ये सब अनर्थ जब हटेंगे, तब वास्तव में धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि वास्तविक प्रेम क्या है, प्रेम कहाँ किसको गया है ना। तब तक हम मूर्खतावश काम को ही प्रेम मानते रहेंगे। तो इसलिए काम जब तक है, काम से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, हम समझें। यहाँ पर भगवान भी बता रहे हैं ये दुख का कारण है, ये कष्ट का कारण है, जिसको कि हमने भूल से भ्रमवश प्रेम मान लिया है,
है ना, जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की स्थिति है, वो क्या है, भगवान से प्रेम करना। प्रेम आत्मा का लक्षण है, वो हम चाहते हैं, है ना, कि हम जो है प्रेम करें। एक व्यक्ति, एक जीवात्मा प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम का अर्थ है सेवा, जिसमें कि सेवा निहित है, है ना। अगर सेवा नहीं है, वो केवल प्रेम बस हम बोल रहे हैं, तो वो वास्तव में फिर प्रेम नहीं है, वो केवल काम वासना है, इच्छा है, है ना। तो प्रेम का अर्थ ही है, प्रेम का अर्थ है भगवान की सेवा में संलग्न होना। भौतिक जगत में वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक जगत में हम सेवा से किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। जहाँ पर भी इंद्रिय भोग है, थोड़ी सी त्रुटि आएगी उस सेवा में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर समस्या हो जाएगी। इसलिए भौतिक जगत में हम किसी को भी सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकते, कितना भी हम करने का प्रयास करें। इसलिए यहाँ पर प्रेम नहीं है, वो यहाँ पर उसको काम कहा गया है ना। तो इसलिए ये काम को हमें हटाने की आवश्यकता, कैसे हटाएंगे हम, जब भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवत सेवा को हम ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे ये काम इच्छा से हम मुक्त होंगे, है ना। तो इसलिए समझे हम प्रेम को, वास्तविक प्रेम क्या है, और जन्मों जन्मों से जो हम काम इच्छाओं में बंधे हुए हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो जिससे कि आज तक हम संतुष्ट नहीं हुए, है ना। ये सिर्फ यही जीवन नहीं, इसके पहले भी हमने कई कई जीवन जो है ये काम वासना की पूर्ति में लगाए हैं, लेकिन आज तक हम इससे संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि आत्मा का लक्षण है भगवत प्रेम। वही हमें केवल एकमात्र संतुष्ट कर सकता है, जब हमें प्रेम प्राप्त होगा, है ना, उस प्रेम का भगवान के साथ जब आदान प्रदान होगा, तभी वास्तव में आत्मा को संतुष्टि हो सकती है, है ना। यह आत्मा सुप्रसिद्धति श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, कि जिसको प्राप्त करने के बाद आत्मा की प्रसन्नता हो जाती है, पूर्ण रूप से आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। भगवत सेवा, भगवान की सेवा में फिर भक्त को भगवान से भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं, है ना, कि जो गोपियाँ हैं, जब वो इस प्रकार से अहेतु की अपने सुख दुख का विचार किए बिना केवल भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जब प्रयास कर रही है, तो भगवान को जितना आनंद मिलता है, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद गोपियों को प्राप्त होता है, भगवान के भक्तों को प्राप्त हो रहा है। ये प्रेम का स्तर है, कि प्रेम में ये होगा कि अगर हम जो है हमारे जो स्वामी हैं उनको संतुष्ट करने का जब प्रयास कर रहे हैं, तो उनको जितना आनंद हमारी सेवा स्वीकार करने से होगा, उससे ज़्यादा आनंद हमें सेवा करने से मिलेगा, है ना। ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति लक्षण है उसका। तो इसलिए इसको हम समझें, और जगत में जो तथाकथित लोग भ्रमित हैं, गलत चीज़ के पीछे आज समाज में लोग भाग रहे हैं, है ना, मूर्खतापूर्ण कार्य, तो उसमें हम जो है नहीं लगे, हम बुद्धिमान बने, है ना, और सबको, दूसरों को भी जो है जागरूक करें कि ये मूर्खतापूर्ण जो है कार्यों से निकले, जिससे कि पूरा समाज जो आज अधोगति की तरफ जा रहा है, तो समाज में लोग धीरे धीरे प्रगति करें, भगवत प्रेम को समझ पाए, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ पाए। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जय। श्रील प्रपाद की जय।